माय डियर स्टूडेंट्स, रेडिएंट एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, और इंट्रोडक्शन हम स्टडी करने वाले हैं स्पेसिफिकली एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसको हम एपी भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। मतलब एक पूरा सीक्वेंस होता है नंबर्स का, और दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी को क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस मतलब क्या होता है, तो सेट ऑफ नंबर्स जो होते हैं उसको अगर डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया जाए उसी को कहा जाता है सीक्वेंस। तो चलिए अब हम देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल्स को। तो जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एपी, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर कहां तक जा रहा है, ये 100 तक। तो अगर आप देखेंगे अच्छे से तो 1 से 2 का जो डिफरेंस है वो 1 है, 2 से 3 का जो डिफरेंस है वो भी 1 है, 3 से 4 का जो डिफरेंस है वो भी 1 है। तो इस तरीके से ये जो है एक एपी को फॉर्म कर रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म कर रहा है। अब सेकंड एग्जांपल को देखिए, ये 100, उसके बाद 70, 70 के बाद 40 और 40 के बाद 10। अब अगर आप ध्यान से देखें तो डिफरेंस जो है वो 30 का है, 100 से 70 में 30 का डिफरेंस होता है, 70 से 40 में 30 का डिफरेंस होगा, 40 से 10 में 30 का डिफरेंस होगा। तो ये जो पूरी सीक्वेंस फॉर्म हो रही है जिसका डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, इसे ही कहा जाता है एपी। अब आप यहाँ पर देखिए, ये 6, उसके बाद अगेन 6, ये भी 6, 6 और ये चलता ही जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 6 और 6 के बीच में जो डिफरेंस है वो होगा 0। ये 6 और ये 6 का बीच का डिफरेंस है 0, ये 6 और ये 6 के बीच का डिस्टेंस है 0। मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रह रहा है, एक सीक्वेंस फॉर्म हो रही है, इसको एपी कहा जाएगा। फोर्थ एग्जांपल है 2, 2 के बाद आ रहा है 8, 8 के बाद आ रहा है 14, 14 के बाद आ रहा है 20, और इस तरीके से बीच में कुछ टर्म्स आएगी और जो लास्ट टर्म बन रही है इस सीक्वेंस की वो है 50। अब आप देखिए 2 से जो 8 का डिफरेंस है वो है 6, 2 से जो 8 का डिफरेंस है वो है 6, 8 से 14 का डिफरेंस 6, 14 से 20 का डिफरेंस 6। तो डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो इसी को कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब दो तरह के एपी होते हैं, एक होता है फाइनाइट एपी और दूसरा होता है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी मतलब क्या होता है कि जिसका लास्ट टर्म जो है वो नोन हो। जैसे आप ये फर्स्ट एग्जांपल और फोर्थ एग्जांपल को देख पा रहे हैं, ये है फाइनाइट एपी। ये कैसे एपी है, फाइनाइट एपी है, ये है आपके फाइनाइट एपी, ये भी है फाइनाइट एपी, ठीक है। और जो एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 है, देखिए इसका कोई एंड नहीं है, इसका लास्ट टर्म हमें पता नहीं है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इनफाइनाइट एपी। काफी आसान। अब हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी को। एपी का एक जनरल फॉर्म है जिसे हम देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट टर्म होता है उसे कहा जाता है ए। देखिए फर्स्ट टर्म को क्या कहा जाता है, ए, स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है स्मॉल डी, मतलब स्मॉल डी से उसे डिनोट किया जाता है। तो देखिए फर्स्ट टर्म जो होगा एपी का वो है ए, सेकंड टर्म होगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म होगा ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म होगा ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी, और इस तरीके से ये जो है सीक्वेंस चलता रहेगा, ये प्रोग्रेशन चलता रहेगा, ठीक है। जहां पर ए का मतलब है फर्स्ट टर्म और डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, मतलब हर एक टर्म के बीच का, हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस, इसीलिए इसको कॉमन डिफरेंस डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से। देखिए यहाँ पर मैंने जो एक एग्जांपल लिया हुआ है, ए को अगर मैं 2 मान लूँ और कॉमन डिफरेंस जो है उसे मैं 3 मान लूँ, तो देखिए किस तरीके से जो है हम ए और डी से एक एपी को फॉर्म कर सकते हैं। देखिए हमें सिंपली क्या करना है, ए जो है फर्स्ट टर्म है आपका, ए जो है वो है आपका फर्स्ट टर्म, तो ए कितना हो जाएगा 2, जैसा आप देख पा रहे हैं ए जो है आपका फर्स्ट टर्म, तो ए है 2। उसके बाद सेकंड टर्म पर आते हैं,
सेकेंड टर्म है ए टू, ये कितना होगा ए प्लस डी, तो ए देखिए ए कितना है टू प्लस डी जो है, डी देखिए कितना हो जाएगा, डी है आपका थ्री, तो ये हो जाएगा टू प्लस थ्री इज फाइव। अब ए थ्री के लिए, ए थ्री के लिए होगा ए प्लस टू डी, तो ये हो जाएगा टू प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री। अब देखिए थ्री टू जा इज सिक्स एंड सिक्स प्लस टू इज एट, और ए फोर जो है देखिए वो कितना हो जाएगा ए प्लस थ्री डी, ए के जगह पर हम रख देंगे टू प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री, थ्री थ्री जा इज नाइन, नाइन प्लस टू इज इलेवन। उसके बाद ए फाइव, ए फाइव देखिए कितना होगा ए प्लस फोर डी, टू प्लस फोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री, फोर थ्री जा इज ट्वेल्व प्लस टू इज फोर्टीन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने फाइव टर्म्स को डिटरमाइन किया है। तो एपी देखिए जो बनेगा वो क्या होगा, टू कॉमा फाइव कॉमा एट कॉमा इलेवन कॉमा फोर्टीन, और इस तरीके से जो है वो एपी जो है वो ऑपरेट करने वाला है। ये है आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर मुझे कॉमन डिफरेंस डिटरमाइन करना हो, तो देखिए कॉमन डिफरेंस मतलब हर दूसरी टर्म से जो उसका प्रीवियस टर्म होगा उसका डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा, मतलब सक्सीडिंग टर्म में से अगर प्रीसीडिंग टर्म को माइनस किया जाए तो डिफरेंस जो है वो सेम आएगा एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। तो चलिए हम चेक करते हैं इसी बात को। तो देखिए स्मॉल d इक्वल्स a2 माइनस a1, तो देखिए a2 कितना है आपका 5 और a1 है 2, तो आंसर यहां पर आ जाएगा 3। अगेन डिटरमाइन करते हैं d इक्वल्स a3 माइनस a2, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, a3 इज 8 और a2 है आपका 5 सॉरी 8 माइनस 5 इज 3। उसके बाद d जो है स्मॉल d दैट इज a4 माइनस a3, तो देखिए a4 मतलब आपका फोर्थ टर्म है 11 और थर्ड टर्म है आपका d, 11 माइनस 8 इज अगेन 3। d इक्वल्स a5 दैट इज फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, कितना आ जाएगा ये भी 14 माइनस 11 इक्वल्स 3। तो डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा, इसीलिए इसे कॉमन डिफरेंस कहा जाता है और इसे स्मॉल D से डिनोट कहा जाता है। अब एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने के लिए, 5.1 से स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व करने के लिए इतना इंट्रोडक्शन इनफ है। इसी के सहारे, इसी के बेसिस पर आप बहुत ही आसानी से तीनों क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।